जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है संडे और संडे स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ नई ओटीटी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है, तो उन्हें जानने के लिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा हर वक्त लेकर आता रहता हूं। और इसके अलावा वीकली क्या कुछ रिलीज होगा हमारे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उसका वीडियो भी मंडे ट्यूसडे में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो अगर आज सिर्फ ओटीटी अपडेट्स को कवर कर रहे हैं तो कल में आपको इस वीक की सारी रिलीजेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टॉक टू मी मूवी की, जो कि ऑलरेडी अब रिलीज हो चुकी है बुक माई शो स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे। और अच्छी बात है कि इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टॉक टू मी ऑस्ट्रेलियन सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 9 की है, और अब ये रेंटल बेसिस पे बुक माई शो पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों द नन 2, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा मूवी है, इसका भी कन्फर्मेशन आ चुका है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अब ये मूवी 19 अक्टूबर को हिंदी लैंग्वेज में बुक माई शो स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है। तो अगर आपको नन 2 का इंतजार था तो इंतजार खत्म, इसी हफ्ते हिंदी में आप इसे देख पाओगे। इसके साथ दोस्तों बंगाली फिल्म जिसका नाम है हामी, इसको दोस्तों सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे 20 अक्टूबर से रिलीज किया जा रहा है। यानी अगर आपको बंगाली मूवीज का शौक है तो हामी 2 मूवी सोनी लिव पे आपको इसी हफ्ते देखने को मिलेगी। इसके साथ दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, गुजराती मूवी लवर्स के लिए एक नई ओटीटी ऐप रिलीज हुई है जिसका नाम है जोजो ऐप, और जोजो ऐप ने काफी सारी गुजराती मूवीज को लिस्ट कर दिया है जिसमें से कुछ रिलीज हो चुकी हैं और कुछ अपकमिंग सेक्शन में आ गई हैं। तो दोस्तों चार फेरानु चकदोल इस मूवी को दोस्तों ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है अब जोजो की ऐप पर। और दोस्तों अगर आप इस टाइम पे जोजो की ऐप पे जाएंगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अपकमिंग मूवीज में दो मूवीज को ऐड कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों एक तो 3 इक्का और इसके साथ है दोस्तों सैयार मोरी रे, जिस मूवी का काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये दोनों मूवीज भी वहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं थैंक यू जिसे करना चाहता हूँ वो है प्रेरक दोषी। प्रेरक दोषी हमारे फॉलोअर हैं जो मेरे को लगातार गुजराती मूवीज की अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, और थैंक यू प्रेरक, आपने मुझे जो है जो ऐप के बारे में डिटेल दी और क्या क्या रिलीज हुआ है उसके बारे में भी बताया। इसके साथ दोस्तों पंजाबी मूवी लवर्स के लिए मिंडा ललारी मूवी की डेट आ चुकी है। मिंडा ललारी जो कि एक पंजाबी मूवी है, 2023 का रिलीज है, और कहानी एक ऐसे बंदे की जो लॉ से दुखी लोगों की मदद करता है, इस मूवी को लिस्ट कर दिया गया है। अब चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज होने जा रही है 4 दिन बाद 19 अक्टूबर को आपको पंजाबी मूवी मिंडा ललारी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ सिनेमा रिलीज द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, जो कि सिनेमाज में इस टाइम पे रन कर रही है, इसका वीडियो ऑन डिमांड डेट कंफर्म हो चुका है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो अब 24 अक्टूबर यानी कि इसी महीने की 24 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। रेंटल बेसिस पे जो अपडेट आ रही है वो ये कि फिलहाल सिर्फ ये इंग्लिश में रिलीज होगी। इसके साथ 100X या 110 मूवी, इसको भी दोस्तों अब रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है 20 अक्टूबर से, लेकिन फिलहाल ये भी सिर्फ इंग्लिश में रिलीज होगी। जो भी 100 मूवी की फ्रेंचाइज के फैन हैं उन लोगों को 110 का जरूर इंतजार था, 100X का जरूर इंतजार था, तो मूवी अब 20 अक्टूबर से आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आज यानी 15 अक्टूबर दो बड़े टीवी प्रीमियर होने जा रहे हैं। राम बाणम मूवी आज से रिलीज होने जा रही है दोस्तों सोनी मैक्स के प्लेटफॉर्म पे, आज रात 8 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका ऑलरेडी एक HD हिंदी प्रिंट मार्केट में रोटेट होना चालू हो चुका है, तो अगर आपको वो मिल जाता है तो हो सकता है आपको राम बाणम ऑलरेडी ऑनलाइन देखने को मिल जाए। इसके अलावा विरूपाक्षा मूवी भी आज यानी कि 15 अक्टूबर की रात 8 बजे से गोल्ड माइंस चैनल के प्लेटफॉर्म पे 8 बजे टीवी प्रीमियर कर जाएगी। गोल्ड माइंस ने आज सुबह भी एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए इसे कंफर्म किया है, लेकिन जब तक रिलीज ना हो 7:59 तक गोल्ड माइंस का भरोसा मैं कम रखता हूं। तो अभी देखते हैं कि आज ये रिलीज हो जाती है या नहीं, लेकिन अब 99.9% कंफर्म हो चुका है कि विरूपाक्षा आज से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों थैंक यू फॉर कमिंग जो मूवी सिनेमाज में रिलीज हुई है और एडल्ट ड्रामा मूवी है, इसके लिए आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आने चालू हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि थैंक यू फॉर कमिंग मूवी के जो राइट्स हैं दोस्तों वो हैं नेटफ्लिक्स के पास, और मूवी का रिलीज जो है वो प्लान किया जा रहा है 25 या 26 नवंबर के आसपास। तो थैंक यू फॉर कमिंग आपको नेटफ्लिक्स पे मिड टू एंड ऑफ नवंबर देखने को मिलेगी। अभी 1 से 1.5 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है।
इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों अकेली मूवी की अपडेट मुझसे मांगते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अकेली मूवी के OTT राइट्स को अब फाइनलाइज कर दिया गया है और ये मीडिया हाउसेस ने कंफर्म कर दिया है कि अकेली मूवी Zee5 की ऐप पे रिलीज़ होने जा रही है। और कब ये रिलीज़ होने जा रही है दोस्तों, इसकी जो रिलीज़ डेट बताई जा रही है वो है एंड ऑफ अक्टूबर, यानी 2 हफ्ते के बाद आपको अक्टूबर के एंड तक Zee5 के प्लेटफॉर्म पर अकेली मूवी देखने को मिल जाएगी। और अभी तक ये अपडेट है मीडिया हाउसेस की तरफ से, Zee5 की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। जैसे इसकी अनाउंसमेंट आएगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन अनाउंसमेंट आ चुकी है किंग ऑफ कोथा मूवी की, जिसके हिंदी डब्ड वर्जन का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। आज से 2 हफ्ते पहले इसके साउथ इंडियन वर्जन्स को रिलीज कर दिया गया था और अब किंग ऑफ कोथा मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे 20 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी, यानी उस 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से किंग ऑफ कोथा को आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों घूमर मूवी के लिए आप लोगों के काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि घूमर मूवी का OTT रिलीज़ अभी तक प्लान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसकी OTT डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया हाउसेस से कंफर्मेशन की जितनी मैंने लेने की कोशिश की है उसके हिसाब से घूमर मूवी के अभी तक कोई भी OTT बायर्स नहीं है। इनफैक्ट पहले घूमर को डायरेक्ट OTT रिलीज दिया जाने का प्लान था, लेकिन जब बायर्स नहीं मिले तो इसे सिनेमा रिलीज किया गया, लेकिन सिनेमा रिलीज के रिस्पांस के बावजूद अभी तक इसका OTT प्लान नहीं हो पाया है। तो जैसे इसका कोई OTT अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों OTT कंफर्म हो चुका है ओपनहाइमर मूवी का। मैं आपको कई बार पहले बता चुका था कि ओपनहाइमर मूवी नवंबर से पहले रिलीज होने का कोई चांस नहीं है, इनफैक्ट एंड ऑफ नवंबर में रिलीज होगी और अब इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। मूवी रिलीज होने जा रही है 21 नवंबर को, 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है वीडियो ऑन डिमांड पे और रेंटल बेसिस पे इसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपडेट यह है मेरे पास कि एक ही साथ ये सभी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, यानी हिंदी में भी एक ही साथ रिलीज हो जाएगी। तो अब दोस्तों थोड़ा सा और इंतजार करते हैं ओपनहाइमर का, फिर हम इसे मूवी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंडा साउथ हॉल द, इसकी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की थी कि मूवी का अमेजॉन प्राइम पे रिलीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और ये कभी भी अब रिलीज हो सकती है। लास्ट वीक ही मेरे को उम्मीद थी कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हुई है और मैंने इनके जो क्रिएटर्स हैं उनको फिर से मैसेज डाल के अपडेट लेने की कोशिश की है, तो उन्होंने अभी तक यही है उनका स्टेटस कि मूवी को VOD रिलीज के लिए प्रिपेयर करके भेज दिया गया है। तो दोस्तों अब बस कुछ ही टाइम का इंतजार है, जब इसकी कंफर्म अपडेट आएगी तो हो सकता है आपको मुंडा साउथ हॉल द मूवी इसी महीने देखने को मिल जाए। इसके साथ दोस्तों एजेंट मूवी के लिए आप लोग अभी भी बार बार अपडेट मांगते हैं, जो कि पोस्टपोन हो के ऑलमोस्ट 4-5 महीने अब निकाल चुकी है। तो एजेंट मूवी की एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी जो पोस्टपोनमेंट हो रही थी जिस डिस्प्यूट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसे अब सोनी लिव ने रिजॉल्व कर लिया है, उस डिस्प्यूट की टाइमलाइन को फिनिश कर दिया गया है। तो यानी कि अब अक्टूबर के एंड तक इसके अनाउंसमेंट आने के चांस है कि मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इसका डिस्प्यूट का लॉ टाइमलाइन था या कोर्ट का टाइमलाइन था वो एंड ऑफ अक्टूबर तक ही है और इसे अब आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट को मैनेज कर लिया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मूवी का अनाउंसमेंट अक्टूबर एंड में हो जाएगा और नवंबर के मंथ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी अपन इस पे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि भैया कोई भरोसा नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों वैक्सीन वॉर, इस मूवी का भी आप लोग में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करना चालू हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन वॉर मूवी का रिलीज होगा डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे और डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों ये मूवी आपको देखने को मिलेगी एंड ऑफ नवंबर में, यानी कि अभी थोड़ा सा वेट करिए, ये आपको एग्जैक्टली रिलीज के 2 महीने बाद एंड ऑफ नवंबर में OTT पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जिस मूवी का आप लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार है जवान मूवी का, मैं पहले भी आपको अपडेट दे चुका हूं और हर वीडियो में अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो में अपडेट देने के बावजूद मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हो, चैट पे मैसेज करते हो, मेरे को कमेंट्स करते हो कि भाई जवान 2 कब आएगी, क्योंकि जवान 2 का पोस्टर देख के भी कई लोग मुझे मैसेज करते हैं। हम आपसे पर्सनली अलग से कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या 2 नवंबर राइट डेट है, तो हाँ भाई अभी तक 2 नवंबर ही कंफर्म डेट है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे जवान के रिलीज की। अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी सुनने को मिलेगी, जैसे ही मेरे पास कोई और नई अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक क्विक अपडेट जहां पर मैंने आपको अभी तक की अनाउंसमेंट्स के बारे में बता दिया है। इसके अलावा मेरे चैनल पर बने रहोगे तो जैसे ही और OTT अपडेट्स मेरे पास आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।